हे गाइस, स्वागत है आप सबका पोकेमोन लाइट प्लेटिनम के एपिसोड नंबर 33 में। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कोसाका सिटी के जिम लीडर लूसी को हरा के हम लोग आ चुके थे इस नए वाले टाउन या फिर विलेज में। आप लोग अरे हटो यार सामने से। तो जस्ट लाइक इस सिटी का या फिर विलेज का नाम, ओके ये सिटी है, इसका नाम है फ्लैमेरनी सिटी। एंड गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ पे आ तो गए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों की स्टार्टिंग में ही प्रोफेसर इली के साथ या फिर जो भी नाम था उसका, हाँ इली ही नाम था, फाइट हुई थी। एंड अगर एक क्वेश्चन आपका, जस्ट लाइक आप लोगों ने मेरे को पूछा था कि यहाँ पे जो केव है, अरे यार कितने अनवाई कर रहे हैं लोग। तो जस्ट लाइक ये केव के सामने एक बंदा खड़ा रहेगा अगर आपने प्रोफेसर इली के साथ बैटल नहीं की है तो अगर आपको वो बंदा हटाना है तो प्रोफेसर इली के साथ बैटल कर लेना एंड आपका वो बंदा हट जाएगा। मैंने ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में की थी, इसलिए अभी वो मेरे सामने यहाँ पे तो कोई बंदा नहीं है। एंड प्रोफेसर इली ने बता दिया था कि हम लोगों को इस केव में जाके इस सिटी के जिम लीडर को जस्ट लाइक ढूंढना है। वो एरॉन के जस्ट लाइक मदद करने के लिए माउंट वल्कन में आ चुका है और यहाँ पे हमारी बैटल भी हो सकती है, तो चलो करेंगे। सबसे पहले तो आई गेस हमारे सामने शर्मिष्ठाई थी, आई गेस हाँ शर्मिष्ठाई है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे ग्लाइड। एंड गाइस, हम लोग शर्मिष्ठा के स्टार्टिंग में बहुत यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग शर्मिष्ठा से जस्ट लाइक बहुत सारी हेल्प ले रहे हैं और शर्मिष्ठा बहुत ओपी है। क्विलावा आ रहा है, ओके एक और ग्लाइड कर ले यार, शर्मिष्ठा बहुत ओपी है और क्या बोल सकता हूँ। एंड गाइज, आप लोग मेरे को पूछ रहे हो कि मैं ज़्यादातर शर्मिष्ठा की हेल्प क्यों ले रहा हूँ, मतलब जस्ट लाइक शर्मिष्ठा को ज़्यादातर पोकेमॉन बैटल्स क्यों लड़ा रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैं चाहता हूँ कि हमारे पोकेमॉन टीम में शर्मिष्ठा के लेवल सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जस्ट लाइक वो प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी टीम में। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वाइल्ड पोकेमॉन्स तो काफ़ी डिसेंट लेवल के आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर भी आ सकता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। अगर आपको आना है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे मेरे को बैटल, ओके मैंने यहाँ पे बहुत सारे बैटल स्किप कर सकता हूँ मैं, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे पूरा ग्रास का कलर, जस्ट लाइक ग्रास नहीं, ग्रास का कलर और ये जो ट्रीज़ का कलर है ना वो काफ़ी अजीब है, क्योंकि ये अंदर वॉल्केनो के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर ये सेक्रेड एशेस होगी, जिस लाइक जो उसको हम लोग राख कहते हैं या फिर ऐश ही कहते हैं, क्या ऐश मतलब ऐश कैचम वाला ऐश नहीं, वो आग जलने के बाद जो ऐश होती है ना वो वाली ऐश। ओके सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे मैक्स रिपेल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी वाइल्ड पोकेमॉन्स आना स्टार्ट हो चुके हैं तो मैं नहीं चाहता हमारा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए उसके बाद। एंड यहाँ पे हम लोग अंदर जाएंगे और ओके यहाँ पे बहुत सारे जस्ट लाइक काइंड ऑफ एरॉन देखने को मिल सकते हैं अपने को। एंड हम लोगों को यहाँ पर फायर स्टोन मिल चुका है, ओके फायर स्टोन, और ये बैटल भी करेगा। ओके आ जाओ बैटल करो हमसे। दो पोकेमॉन, पहला पोकेमॉन राइलू, आई गेस हम लोग यूज़ करेंगे शर्मिष्ठा का आउटरेज। यार शर्मिष्ठा का लेवल ही देख लो आप, जस्ट लाइक कोई मैच ही नहीं करेगा हमारे शर्मिष्ठा के लेवल को, अनलेस मी मतलब अनटिल मी। अरे रे मेरे को जस्ट लाइक शर्मिष्ठा को जला दिया और कंफ्यूज भी कर दिया। ओके वेट, मेरे को मेरे शर्मिष्ठा के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो खुद को हर्ट नहीं करेगी। देखा गाइस, रुको पहले तो मेरे शर्मिष्ठा का बर्न हटाने दो, वो बेचारी को जलन होती होगी। एक मिनट, मेरे पास सुपर आई गेस फुल हील होगा, हाँ ओके फुल हील है। ओके शर्मिष्ठा इज़ फाइन नाउ। उल्टा मैं ऐसा चैलेंज करूँगा कि जस्ट लाइक चैलेंज ले रहा हूँ खुद को ही कि इस गेम में, गेम प्ले में मैं शर्मिष्ठा को फेंट होने ही नहीं दूँगा। अगर हो गई तो जस्ट लाइक बहुत बुरी बात होगी, बट मैं ट्राई करूँगा कि जितना भी कुछ हो जाए मैं शर्मिष्ठा को फेंट होने नहीं दूँगा। जैसे लाइक अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे पोकेमॉन चेंज कर देंगे। शर्मिष्ठा तू थोड़ा रेस्ट कर ले। हॉर्न ड्रिल, ओके लेट्स यूज़ बबल बीम, काफ़ी यार इसके लिए लेवल देख लो। फ़िलहाल तो एम्पोलियन ही सबसे ज़्यादा लेवल में आगे हमारी टीम में। राइडॉन, एक और राइडॉन, ओके इसके लिए भी बबल बीम काफ़ी है, क्योंकि लेवल में 20 लेवल का डिफरेंस है, तो क्या खाक सर्वाइव कर पाएंगे लोग। तो गाइज एक काम कर लेता हूँ, चलो ये एपिसोड के साथ साथ हम लोग, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ मेरी कॉलेज लाइफ की। मतलब देखो पहली बात तो मैं मेरी खुद की थोड़ी सी लाइफ जैसे लाइक एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके आपके साथ। तो स्कूल जैसे लाइक मेरी, मैं थोड़ी सी स्कूल लाइफ बताना चाहता हूँ। तो मेरी जो स्कूल लाइफ थी ना वो काफ़ी बोरिंग थी पहली बात तो, क्योंकि मैं स्कूल लाइफ में काफ़ी शाई लड़का था एंड शाई के साथ साथ मैं थोड़ा सा मोटा भी था एंड उसकी वजह से मैं बुली भी होता था। और पता है एक चीज़ और, मतलब कुछ लोग तो मिस करते ना कि स्कूल कब, मतलब जैसे लाइक कुछ लोगों का विश होता है कि स्कूल कभी ख़त्म ना होना चाहिए, जैसे लाइक
हमेशा स्कूल चलते रहना चाहिए। लेकिन मैं उनमें से था, जस्ट लाइक मैं उनमें से था कि मेरी तो विश थी कि कब स्कूल ख़त्म होगा, कब मेरी टेंथ होगी एंड कब मैं कॉलेज में जाऊँगा, क्योंकि यार मेरी स्कूल लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। एंड जब मैं कॉलेज में आया तब मेरे को मेरे जस्ट लाइक जिगरी दो दोस्त मिले, उनका नाम तो मैं अभी नहीं लूँगा फ़िलहाल तो, क्योंकि फॉर पर्सनल इश्यूज़, क्या पता आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सके, फिर भी नहीं अभी फ़िलहाल तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका। लेकिन हाँ, तो हम लोग कॉलेज में जाके मिले एंड अभी वो हम जस्ट लाइक वो दो मेरे फ्रेंड्स, हम तीनों इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं ना कि जस्ट लाइक मेरी पूरी फैमिली वो दोनों को जानती है, उसकी फैमिली में हम दोनों को जानती है और दूसरे दोस्त की भी फैमिली हम दोनों को जानती है। मतलब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं आज बताऊँगा कि हम लोग की मुलाकात कैसी हुई। तो ये बात है 11वीं की, जैसे लाइक 11वीं की स्टार्टिंग। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मुंबई में जैसे लाइक यहाँ मतलब कुछ इंडिया के कुछ रीजन में, जैसे लाइक रीजन नहीं बोल सकते, इंडिया के कुछ एरिया में क्या होता है कि जैसे लाइक 10th के बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। मुंबई में भी वही सिस्टम है, 10th के बाद स्कूल ख़त्म, फिर 11, 12, 13, 14, 15 कॉलेज होता है। एंड कुछ एरिया में, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में 12th तक स्कूल रहता है और उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे 10th के बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। तो वही, तो जैसे मैं कॉलेज में गया था तो एक नॉर्मली जस्ट लाइक नॉर्मल बच्चा जैसे सारे लेक्चर अटेंड करता है, वैसे मैं लेक्चर अटेंड करता था। आई नो ये एपिसोड जस्ट लाइक थोड़ा स्टोरी टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन सुनो मेरे को बताना है वो। तो मैं नॉर्मल बच्चे की तरह पहले 3 महीने, जस्ट लाइक 11वीं के पहले 3 महीने तो मैं नॉर्मली सारे लेक्चर अटेंड करता था। एंड फिर एक दिन हुआ क्या, अरे रिपेल ख़त्म हो गया, एक दिन रिपेल ख़त्म नहीं हुआ, एक दिन दूसरी चीज़ हुई। फिर एक दिन हुआ क्या कि हमारा जो जैसे लाइक हमारी रिसेस होती थी 3 लेक्चर के बाद, रिसेस मतलब पता है ना आपको, जो बीच में इंटरवल टाइप होता है, सब बच्चे बाहर आते हैं। तो तब क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, जैसे लाइक पता चला रिसेस के बाद के 2 लेक्चर ऑफ थे हमारे, मतलब जो टीचर्स थे वो ऑफ थे, जैसे लाइक ऑफ मतलब आए नहीं थे, एबसेंट थे। तो पूरी क्लास ने एक प्लान बनाया कि इस बार मास बंक करेंगे। एंड फिर मतलब मैं भी, मतलब सब लोग बहुत बोर हो चुके थे, पहले तो मैं रेगुलरली जाता था बट फिर जैसे लाइक मास बंक का प्लान बना और हम भी तैयार हो गए। मैं क्यों, मतलब बहती गंगा में मैंने भी हाथ धोने का ट्राई कर लिया एंड मैं भी बोला हाँ चलो करते हैं। फिर जैसे ही रिसेस हुई तो सारे बच्चे जैसे लाइक मतलब रिसेस में मतलब सब क्लास के बच्चे बाहर आ जाते हैं ना, तो वैसे हमारे क्लास के बच्चे जैसे लाइक हमारी पूरी होल क्लास बैग लेके बाहर पड़ी। एंड फिर क्या हुआ कि जैसे लाइक हम लोग देखो, हमारा जो क्लासरूम है वो मेरे कॉलेज के 3rd फ्लोर पे है, तो नीचे आने के लिए स्टेयर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो हमारा पूरा जैसे लाइक हमारी यूनिटी हमारी पूरी क्लासरूम जैसे लाइक पूरी क्लासरूम बैग लगा के कंधे पे स्टेयर से एकदम यूनिटी के साथ एकदम रो में नीचे आ रही है। एंड फिर उससे पहली बात तो एक और, हमारा कॉलेज में मतलब हमारे कॉलेज में एक प्यून है जिसका नाम भगवान है। एंड वो प्यून मतलब बहुत स्ट्रिक्ट प्यून है, मतलब जितने बच्चे कॉलेज के प्रिंसिपल से नहीं डरते हैं ना उतने वो जस्ट लाइक उस प्यून से डरते हैं, क्योंकि वो अगर देख मतलब उसने देखा ना कि कोई बच्चा बंक मारने की ट्राई कर रहा है तो वो सीधा उसको मारेगा, लिटरली मारेगा वो उसको। तो इसलिए उससे डरते हैं हमारे कॉलेज से ज़्यादा, मतलब प्रिंसिपल से ज़्यादा उस प्यून से डरते हैं लोग। तो फिर हुआ क्या, अरे यार ये वाइल्ड पोकेमॉन्स भी ना, एक मिनट इसको मैं पहले रन कर देता हूँ। तो फिर हुआ क्या, उस दिन वो भी एब्सेंट था, सोचो लक भी हमारे साथ था। एंड वही फिर मास बंक का प्लान, जस्ट लाइक हम लोगों ने मतलब जस्ट लाइक हम लोगों का प्लान तो हुआ ही था कि मास बंक करना है, क्योंकि रिसेस के बाद 2 लेक्चर ऑफ थे एंड भगवान भी एब्सेंट था, जस्ट लाइक हमारा जो प्यून था वो डेंजरस, वो भी एब्सेंट था। तो हमने मास बंक मारा एंड उसी में जैसे लाइक बहुत गर्दी थी तब जाके हमारी टक्कर, मतलब जैसे लाइक मेरी और वो मेरे 2 फ्रेंड्स की टक्कर हुई थी। एंड फिर उसने मेरे से पूछा कि तू कहाँ पे रहता है, फिर मैंने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ, फिर उसने मैंने पूछा कि तू कहाँ पे रहता है, फिर उसने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ। फिर जाके हमको पता चला कि हम लोग बहुत क्लोज रहते बट हम लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। तो वो हमारी फ़र्स्ट जैसे लाइक मुलाकात थी। एंड उसके बाद तो क्या, हमारी पूरी 11th उसके घर पे चली, मतलब उसके घर पे जस्ट लाइक क्या बोलते हैं उसको, एक हिंदी में वर्ड है ना कि बीती, हाँ हमारी पूरी 11th उसके बाद उसके घर पे ही बीती। हम लोग बैग्स लेके निकलते थे कॉलेज के लिए बट जस्ट लाइक पूरा टाइम उसके घर पे रहते थे हम लोग। तो यही एक छोटी सी स्टोरी मेरे को आपको बतानी थी। आई डोंट नो आप में से बहुत सारे लोग अभी तक स्कूल में रहोगे तो जस्ट लाइक
अभी स्कूल लाइफ एंजॉय कर लो, मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत बेकार बेकार क्या एकदम कचरा थी, क्योंकि मैं बुली होता था स्कूल लाइफ में, एंड क्योंकि मैं फैट था और जस्ट लाइक शाय था इसलिए, तो मैं तो जस्ट लाइक मैं जिस स्टैंड ऑफ के दिन इतना खुश था ना कि अभी ये स्कूल ख़त्म, अभी जस्ट लाइक कॉलेज में जाऊँगा, सोचो मैं इतना खुश था। लोग स्टैंड ऑफ के दिन रोते हैं, मैं स्टैंड ऑफ के दिन खुश था, क्या बोल रहा हूँ मैं सोचो बट। एंड हाँ गाइज, मैं थोड़ी सी मेरे बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ज़्यादा पर्सनल नहीं जाऊँगा। जैसे कि मैं रहता मुंबई में हूँ, मेरी मदर टंग मराठी है, एंड मेरा ब्लड ग्रुप आई गेस क्या पता है मेरे को, वो पॉजिटिव है, जो कि मैंने लास्ट टाइम कम्युनिटी पोस्ट में भी बता दिया था। एंड हाँ, मेरी हाइट 5'7" है या फिर 5'8" 5'7" 5'8" के आसपास हूँ मैं, थोड़ी बढ़ा दूँगा उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरी बर्थ डेट है 19 जुलाई 2001। एंड हाँ, मेरी जोडियक साइन है कैंसर, तो आपको तो पता ही है कैंसर लोग अटेंशन सीकर होते हैं एंड काफ़ी मूडी होते हैं, तो मैं उन सब में से एक हूँ। तो अगर कोई रिश्ता देख रहे हो मेरे लिए तो भेज दो, सॉरी जस्ट किडिंग। ये वीडियो आई नो शर्मिष्ठा भी देख लिए, तो सॉरी शर्मिष्ठा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हारा हूँ। एंड तो चलो यार, बहुत फालतूगिरी हो गई, बहुत स्टोरी बता दी मैंने, चलो अभी फोकस करते हैं गेम के ऊपर। ल्यूक, ओके, हेलो, वी हैव ऑलरेडी मेट इन जेरी एट मार्फनी लेक। ओके, हाँ, ये इससे मैं मिल चुका हूँ आई गेस। प्रोफेसर एली सेड दैट यू वुड गेट मी अ सुपर रिपेल टू वार्ड ऑफ दिस वाइल्ड एरॉन। ओके, सुपर रिपेल, क्या मेरे पास सुपर रिपेल नहीं है क्या, मेरे को खरीदने पड़ेंगे? वेट अ मिनट, मेरे पास सुपर रिपेल है कि नहीं है? ये लो भाई, क्या मतलब, ये क्या बात हुई यार, सुपर रिपेल मेरे को ख़रीदना पड़ेगा खुद से? मेरे को लगा वो जस्ट लाइक खुद देगी वो प्रोफेसर अली कंजूस। हम लोग अभी खुद ख़रीद के इसको जाके जस्ट लाइक वेट करो, अभी हम लोग यहाँ पे आ तो चुके हैं, अभी हम लोगों को यहाँ से फिर से जाना पड़ेगा बाहर। रिपेल मैंने मारा नहीं था, तो हम लोगों को रिपेल मारना पड़ेगा। सुपर रिपेल चाहिए ना, तो ठीक है, हम लोगों को सुपर रिपेल परचेज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ये काफ़ी सारी बैटल स्किप की है, वो मेरे को ध्यान में रख के करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को फिर से बैटल नहीं करनी इन लोगों के साथ। इसके साथ तो मैंने बैटल कर ली थी, तो हम लोगों को कोई दिक्कत तो फेस नहीं होने वाली। तो यहाँ पे पोकेमार्ट किधर है भाई? सुपर रिपेल बाय करना है मेरे को, सुपर रिपेल। पोकेमार्ट है कि नहीं इस जगह पे? नहीं है क्या? ओ माय गॉड, पोकेमार्ट है ही नहीं यहाँ पे। एक मिनट, में पूरी सिटी पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ। अरे यहाँ पे लिटरली पोकेमार्ट है ही नहीं, ये तो जिम है जिसके सामने एरॉन खड़ा है। पोकेमार्ट कहाँ पे है? ओके, है। मैं पहले ही थोड़ा सा ज़्यादा ही अजम्पशन लगा देता हूँ। हम लोगों को सुपर रिपेल बाय करने पड़ेंगे। हेलो अंकल, सुपर रिपेल है क्या आपके पास? अंकल के पास एक मिनट, ये क्या फालतू गिरी है, यहाँ पे तो बस मैक्स रिपेल है, सुपर रिपेल मेरे को बाय करने हैं। ओके, अब ये काम करना पड़ेगा हम लोगों को। आई गेस मेरे को सुपर रिपेल बाय करने के लिए किसी दूसरे टाउन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे इतना आगे प्रोग्रेस नहीं हम लोग आए गए थे, मतलब जस्ट लाइक ये बहुत आगे है ना हम लोग स्टार्टिंग के सिटी में जाएंगे, जहाँ पे जस्ट लाइक फॉर इन होर सिटी। यहाँ पे मे बी हम लोगों को कोई मिल जाएगा। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे पोकेमार्ट किधर है यार? ओके प्लीज़, यहाँ पे सुपर रिपेल मिल जाए प्लीज़। सुपर, अबे सब जगह मैक्स रिपेल क्यों मिल रहे हो, ये क्या ग्लिच है? तो मैं आगे कैसे जाऊँगा? अभी मेरे पास एक ही उम्मीद है, वो कौन सी सिटी थी जहाँ पे जस्ट लाइक पूरा पोकेमार्ट पूरा बिल्डिंग बना के रखा था? आई गेस वो ये यहाँ पे किधर तो थी, स्नोसी सिटी तो नहीं थी वो। चलो ड्रेक ब्रेज सिटी में जाके देखते हैं, मे बी यहाँ पे हम लोगों को सुपर रिपेल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आई गेस पूरा यही था। ओके फाइनली, प्लीज़ यहाँ पे सुपर रिपेल देखने को मिल जाए हम लोगों को। मेरे को अभी बाय करना है यार, वो फिर आगे जा नहीं सकता, फिर बैटल भी तो करनी। अरे ये लिफ्ट है, ओके सॉरी, मैं सीढ़ी से जा सकता हूँ, मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ। क्या आपके पास कुछ सुपर रिपेल्स मिलेंगे? ओके फाइनली सुपर रिपेल्स, मैं बहुत सारी ख़रीद लूँगा लिटरली, क्या पता उस कितने चाहिए उसको, 31 खरीद लिया मैंने।
ओके चलो अभी हम लोग फिर जस्ट लाइक फट से यहाँ से निकलते हैं, हमारा काम तो यहाँ पे हो गया। ड्रेक ब्रिज सिटी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ से सीधा अभी सीधा उड़ के जाएंगे वही सिटी में। कौन सी सिटी थी वो, हम लोग कौन सी सिटी में थे क्या पता, वो भी याद नहीं है मेरे को। आई गेस हम लोग यहाँ पे थे, फ्लेमेरनी सिटी या फिर फ्लेमेर, जो भी सिटी का नाम है यार। चलो यहाँ पे सीधा आ चुके हैं। ओके तो फिर से हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा अभी सुपर रिपेल देने के लिए उसको। यार तेरे को मैक्स रिपेल नहीं चलेंगे क्या, सुपर रिपेल ही लेके बैठा है कि सुपर रिपेल ही चाहिए मेरे को क्या ब्रो यार, इतना जस्ट लाइक तेरे को मैक्स रिपेल दे रहा था मैं, बट नहीं इनको सुपर रिपेल ही चाहिए। और कैसी प्रोफेसर है यार तू, बस लाइक तूने मेरे को दिए ही नहीं सुपर रिपेल और तू एक्सपेक्ट करती है कि मैं जाके इसको अभी खुद बाई करके दूँ। वाओ लिटरली वाओ, ये आई गेस इनके साथ तो बैटल हो चुकी है। कुछ कुछ लोगों को मैं अवॉइड करूँगा, क्या पता मैंने जो किया रहूँगा। हटो यार, आई गेस इसके साथ तो बैटल हो गई रहेगी हमारी। ओके मैं आ गया फिर से ब्रो, ले तेरे सुपर रिपेल। वाओ थैंक्स दे दैट वर्क परफेक्टली, आई विल हेड बैक टू माय जिम नाउ। ओके फाइनली अभी जिम में जा रहा है तो इसको हम अभी हम लोग फाइनली इसको डिफीट कर सकते हैं। तो हम भी सीधा यहाँ से यूज़ करेंगे डिग हमारे गार्चोम का, या फिर एस्केप रोप भी आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और क्या मैं यहाँ से फ्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे यहाँ से फ्लाई कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो काफ़ी अच्छी। ओ माय गॉड यहाँ से लिटरली मैं फ्लाई कर सकता हूँ, सही है। हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो गया। तो चलो सीधा जाके अभी बैटल करेंगे जिम बैटल क्या, क्योंकि एरॉन तो सारे भाग गए। एक मिनट, ये नहीं है, ये जगह नहीं है, वो यहाँ पे नहीं आना था हम लोगों को। हम लोगों को जाना है सीधा जिम बैटल करने। कौन से टाइप का जिम लीडर है ये, यहाँ पे सारा मैग्मा है, वोल्केनो बिल्कानो कुछ तो है, तो यहाँ पे पक्का ये चारिजार्ड का स्टैचू भी है, तो पक्का आई गेस लग रहा है कि ये फायर टाइप जिम होने वाला है। मैग्मार, ओके शर्मिष्ठा यूज़ आउटरेज, फ्लेम बॉडी से तू बर्न हो सकती है, बट क्या करूँ मैं, रिस्क लूँ? ओके ये बर्न हो चुकी है यार, इसमें अभी नहीं 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 मेरे को पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा। सेलमेंस को बुलाएंगे, और पहले सबसे पहले तो सेलमेंस को वो बाद में अटैक कर लेगा, सबसे पहले मेरी शर्मिष्ठा को जस्ट लाइक उसको रिवाइव करने दो या फिर उसको जो भी हील करने दो, क्योंकि उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। एमनीशिया से अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा रहा है, इट्स ओके बढ़ा ले बढ़ा ले, फ़ायदा नहीं है कुछ। हमारे पास हाइपर बीम है, तेरे को तो हाइपर बीम से मारूंगा सोच ले। क्या कुछ भी नहीं, ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है। फ्लाई ट्राई कर सकता हूँ मैं, हाइपर बीम से कुछ नहीं हुआ उसको। मैग्मोटार ओके, फ्लाई फिर से। यार ये लोग इतने, इनका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया कि मेरे पोकेमोन के लेवल कम है? कम तो नहीं है यार, मतलब ज़्यादा तो है, फिर भी ये लोग काफ़ी ओपी पोकेमोन लग रहे हैं मेरे को, बट इट्स ओके अभी हम लोग क्या ही कर सकते हैं। चलो आगे जाएंगे, क्या पता और कितने बैटल्स है, मोस्ट प्रोबेबली चार हो सकती है, चार या फिर पाँच, पाँच नहीं तो चार या फिर तीन होंगी। इसके पास एक ही पोकेमोन है केमपर्ट। शर्मिष्ठा क्या तो इसको हैंडल कर पाएगी? लेट्स यूज आउटरेज देखते हैं। हो गया, ओ इरप्शन, ज़्यादा कुछ डैमेज तो नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। शर्मिष्ठा बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी, हमारी नहीं मेरी यार, हमें हमारी क्यों बोल देता हूँ, मेरी शर्मिष्ठा। यू कांट डिफीट ल्यूक, ही इज़ द बेस्ट ट्रेनर इन हियर। ओके अरे देख लेंगे, रिपेल ख़त्म हो गया, अभी हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं है रिपेल की। आ जाओ बैटल कर लो। टॉर्कोल ओके, शर्मिष्ठा जस्ट यूज आउटरेज। यार फिर से सर्वाइव कर जाते हैं ये लोग, कैसे इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं ये लोग, बट इट्स ओके शर्मिष्ठा को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल रहा है। अभी आ रहा है कम्बस्खन, कम्बस्खन के लिए यूज़ करेंगे हम लोग एम्पोलियन का, क्योंकि फायर टाइप है ना, तो एक बबल बीम और काफ़ी हो जाएगा वो।
एंड इसको भी हमने इजीली हरा दिया है। चलो देखते हैं अभी हम लोगों को। ओके आई गेस ये फाइनल होने वाला है, इसके बाद सीधा जिम बैटल करेंगे। ओके एक ही पोकेमोन है इन्फरनेप। ओके इन्फरनेप के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ग्लाइड, शर्मिष्ठा यूज़ कर ग्लाइड, फ्लेम वेल से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला मेरे को। मैं बोला था शर्मिष्ठा से मस्ती मत करो, बहुत ख़तरनाक है। तो चलो अभी हम लोग आ चुके हैं ल्यूक के साथ बैटल करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा शर्मिष्ठा को हील कर देता हूँ। नहीं इसके ऊपर नहीं, हमारे पास मे भी सुपर पोशन थे तो सुपर पोशन से हील कर देता हूँ मैं। चलो शर्मिष्ठा हील हो चुकी है एंड अभी हम लोग सीधे जाके ल्यूक के साथ बैटल करेंगे। हाई ओमकार पीएम, वेलकम टू फ्लेमरनी सिटी जिम। ओके आई एम द लीडर ऑफ दिस जिम एंड आई विल बैटल यू विद द पावर ऑफ फायर अटैक्स टू डिफेंड इट। ओके आजा ब्रो, तेरे में जितना जो कुछ है वो सब दिखा दे। ओके ब्लेजिकन 68 लेवल का सेम है। लेट्स सी मेरी शर्मिष्ठा स्ट्रॉन्ग है कि इसका ब्लेजिकन। ऑब्वियस ही बात है मेरी शर्मिष्ठा स्ट्रॉन्ग है यार। इसी के साथ शर्मिष्ठा इवॉल्व हो चुकी है लेवल 69 में, मेरा सबसे फेवरेट 69 लेवल। सोचता हूँ इसको इसी लेवल पर रखूँ। चारिज़ार्ड आ रहा है। ओके चारिज़ार्ड को मैं सबसे पहले तो ड्रैगन रेज यूज कर रहा है। ओके थंडर वेव से मैं हम लोग पैरालाइज कर देंगे। ओके गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये मेरे घर वाले, क्या करूँ मैं इनका भी कुछ कर भी नहीं सकता। ओके तो हमारे शर्मिष्ठा ने इसको जस्ट लाइक पैरालाइज कर दिया था, अभी हमारी थंडर की बारी है। ओके शर्मिष्ठा का थंडर मिस हो चुका है, दूसरा भी मिस हो चुका है। ओके तीसरा तो मिस, अरे तीसरा भी मिस हो चुका है यार, क्या कर रही है शर्मिष्ठा। चौथा भी मिस हो चुका है, अरे शर्मिष्ठा। ओके फाइनली शर्मिष्ठा आई गेस 69 लेवल पे आके बहुत खुश हो चुकी है, उसको उसकी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेट्स यूज आउटरेज क्योंकि शर्मिष्ठा का 69 लेवल फेवरेट है, मैं अभी चेंज करूँगा। ऑब्वियस ही बात है मैं इसको फेंड थोड़ी होने दूँगा। इसका आखिरी पोकेमोन है आर्कनाइन, इसको तो हम लोग काफ़ी इजीली डिफीट कर देंगे, एक सर्फ के साथ ही चला जाएगा ये बेचारा। इसको पता भी नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है अभी, जैसे कि मैंने आपको कहा था एक सर्फ में चला गया। इसी के साथ हम लोगों ने लीडर ल्यूक को हरा दिया है। यू आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, योर डेस्टिनी इज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स इन द वर्ल्ड। थैंक यू ल्यूक, यू सरप्राइज मी विथ योर बैटल। ये क्या लिखा है, प्रोवेस सेस। ओके यू आर ग्रेट एंड एज अ रिवॉर्ड यू हैव अर्न द रूबी बैज। ओके और कोई TMBM दिया रहेगा। विद द योर रूबी बैज यू कैन यूज़ फायर ब्लो आउटसाइड ऑफ बैटल, इट ऑल्सो गिव यू अ गिफ्ट। आई ओके TM50। ओके TM50 का क्या काम है। दिस TM कंटेंस फायर ब्लो, इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक दैट शुड ओनली बी यूज वंस और ट्वाइस ईच बैटल आउटसाइड ऑफ बैटल्स। ओके इट कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय रॉटन लॉक्स ओके दैट ब्लॉक यूर पाथ। ओके यहाँ पे बहुत सारे मूव्स है जो मैं जस्ट लाइक यूज़ कर सकता हूँ आउटसाइड ऑफ बैटल। जस्ट लाइक वो कुछ तो आइस वाला कुछ तो लास्ट एपिसोड में मिला था, एंड इस वाले एपिसोड में कुछ तो ये जो आग वाला कुछ तो मिला है, क्या पता इससे क्या करना है। होपफुली हम लोगों को ये सिखाने पड़ेंगे सारे मूव्स, तब जाके आगे हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग आज का एपिसोड यही पे एंड करेंगे। सबसे पहले तो पोकेमोन हील कर लेंगे। आई होप सो आप लोगों को मेरी छोटी सी स्टोरी जो मैंने बताई थी, आपको स्टोरी तो नहीं थी वो, बस मेरा एक एक्सपीरियंस था हमारा फर्स्ट मास बंक का, आई होप सो आप लोगों को वो अच्छा लगा, प्लस आज का एपिसोड अच्छा लगा रहेगा। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, सायोनारा। ओ ले ले ले, इतनी प्यारी शक्ल।